निगरान वजीर आजम अनवर उल्हक काकड़ का कहना है कि आइंदा अड़तालीस घंटों में बिजली के बिलों पर रिलीफ देंगे बिजली के बिलों के मसले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है मौजूदा पैदा करने में जो मुल हैं, आज एहतजाज भी वही कर रहे हैं सोशल मीडिया पर जजिस और फौज के मुफ्त बिजली इस्तेमाल करने से मुताबरें बेबुनियाद हैं पाकिस्तानी फौज सिंगल यूनिट भी फ्री बिजली इस्तेमाल नहीं करती वो इस्लाम में सीनियर एंकर के साथ गुफ्तगु कर रहे थे एक तरफ एक शहर में बिलों को जलाया जा रहा है एहताज किया जा रहा है उधरी उसी शहर में 200 मेगावाट मेगावॉट चार सौ मेगावाट पाँच सौ मेगावाट इतनी की चोरी हो रही है ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस लॉ एंड ऑर्डर का मसला है ये मसला ज़रूर है ये मसला ज़रूर है और इस मसले को ज़रूर मैग्नीफाई भी किया जा रहा है मैं हम ये भी समझते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इस वक्त इलेक्शन मोड में है तमाम लोगों ने ही इसको इशू बनाकर एक सोशल कॉज के तौर पर लेके चलने की कोशिश करें हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं अगर मैंने इलेक्शन लड़ना हो, होता तो शायद मैं भी यही कर रहा होता जो मुख्तलिफ मुख्तलिफनज़ हैं वो ऑप्शनस हम डिस्कस भी कर रहे हैं और उन ऑप्शनस की जो ट्रांसलेशन है जो रिफ़्लैक्शन है वो जल्द आ जाएगी और हम उसका अनाउंस इनशाला करेंगे पाकिस्तान फौज नेवी एयरफोर्स तीनों तीनों के तीनों अपने क्यू एम जी ब्रांच से और बाकी आ, अपने अपने रेलिवेंट ब्रांचेस से दे कॉन्ट्रीब्यूट एंड दे पे बिल्स अगेंस्ट ईच एंड एवरी यूनिट विच दे कंज्यूम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एम्ब में है वो जब भी अनाउंस करेंगे जो हमसे कहेंगे हम उनको आ, वो असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे किसी की अगर कहीं जहन में कोई ये गलत फ़हमी या खुशफहमी है कि हमारे हमसाए में इतनी बड़ी मिलिट्री माइट जो है ना वो चली गई है और एक मखसूस गुरोह को वहाँ पर उन्होंने बतौर हुकूमत वो टेक ओवर कर लिया है आई एम हेयर टू स्टे एंड आई एम हेयर टू रेजिस्ट आई एम हेयर टू डिफेंड एवरी सेंटीमेंटर एवरी इंच वेलकम बैक नाजीन दीदाजेब आरामदेह और तमाम तर सफरी सहूलियात से मुजयन साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स ने हेवल गाड़ी का नया मॉडल जूलियन लॉन्च कर दिया है विफाकी वजी डॉक्टर गौहर एजाज ने तकरीब में बतौर मेहमान खसूस शिरकत की साजगार इंजीनियरिंग वर्कस की जानब से गाड़ियों के मारूफ ब्रांड हेवल गाड़ी के नए मॉडल जूलियन पंद्रह सौ सी सी टर्बो की लाहौर में रंगा रंग लॉन्चिंग तकरीब में विफाक वजी ब्रा कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ डॉक्टर गौहर एजाज ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की सरदार अयाज़ सादिक सुनील मंच और बैंकिंग सेक्टर के अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे विफाक वजी गौहर एजाज का कहना था कि टेक्सटाइल के अलावा हमारी एक्सपोर्ट सिर्फ अरब डॉलर हमें मजीद मेहनत कर कहा है, सुनवाते हम जितने पैसे कमाए पैसे इतने होने चाहिए जिसमें हम अपना खर्च भी कर सकें अपना कर्ज भी उतार सकें और वो पैसे बचा के अगली पुष्टों के लिए छोड़ के जाएं। इसको एक्सपोर्ट को इसी सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा पाकिस्तान की पच्चीस करोड़ आबादी है पच्चीस करोड़ आबादी टेक्सटाइल सत्रह बिलियन करती है एक्सपोर्ट पूरा पाकिस्तान मिलके 10 बिलियन डॉलर करता है क्या पाकिस्तान सिर्फ 10 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट कर सकता है हम तो ये मुल्क है जो कि कम से कम 80 बिलियन डॉलर का टारगेट हमने अचीव करना है मैंने पॉलिसी बना के देनी है कि 100 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करेंगे आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब में इतब इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तोहनी अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान कर दिया है लियाकत अली की रिपोर्ट तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ तोहनी अदालत की दरख़ास्त दायर करने का एलान तहरीके इंसाफ के अलामिया में कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमीशनर और अरकिन के खिलाफ दरखास्त में उनके कड़े महासपा की इसक करेंगे पंजाब और खैबर पख के हवाले ऐसी इलेक्शन कमीशन ने आइन ऐसी इनहराफ किया असम्बली की कबल वक्त तहलील की सूरत में आइन इलेक्शन कमीशन को नबे रोज में इंतबात के इनका पाबंद बनाता है सुप्रीम कोर्ट ने नबे रोज में इंतबात के दस्तूर के हुक्म की तशरी की और इलेक्शन कमीशन को चौदह मई को इंतबात इन इन के इनका पाबंद बनाया इलेक्शन कमीशन ने आइन की मंशा और अदालत उजमा के हकम पर अमल की बजाय इत को गैर मैन मुद्दत करने का मुजुर्माना कदम उठाया सुप्रीम कोर्ट ने अपने तफसली फैसले में इलेक्शन कमीशन के मुजुर्माना किरदार की वजाहत की तहरीकन साहब ने मौका अख्तियार किया की कि नजरसानी दख्वास में भी इलेक्शन कमीशन अदालत को मुतमिन करने में मुकम्मल नाकाम रहा इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखात का सुप्रीम कोर्ट ऐसी फिलहकत इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फर्ते जुर्म है तहरीकन साहब के मुताबिक इंतबात के इनका के जिम्मेदार अदारे की जानब से दस्तूर से मुसलसल इनहराफ का सिलसिला अब बंद होना चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंत में का मलबा सियासी जमातों पर डाल दिया कहते हैं जमाते इंतबात कराना ही नहीं चाहती अगर हल्का बंदियाँ करवानी है तो अमले की तादाद बढ़ाई जाए इंतल अमनो अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाना होगा तहरीके लब्बैक पाकिस्तान और मुस्लिम लीग काफ के वफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐसी मुलाकात की चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा की सूबा जात और हुकूमतें इलेक्शन करवाना नहीं चाहती इलेक्शन कमीशन ने नादरा और यूनियन काउंसिल की तरफ से फौज शुदगान का डाटा लेकर इंतजामी फहरिस्तों से उनका अखराज यकीनी बनाया कैंपेन और अखराज की बाकायदा मॉनिटरिंग की जाएगी चीफ इलेक्शन कमीशन ने बताया कि अमनो अमान को यकीनी बनाने के लिए पुलिस पाक फौज और दीगर कानून नाफिस करने वाले इदारों की खिदमत हासिल की जाएंगी मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं का कहना है कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक नई हल्का बंदी जरूर होनी चाहिए परवेज इलाही को आज सुबह दस बजे पेश किया जाएगा लाहौर हाई कोर्ट का नैब को हुक्म जस्टिस अमजद रफीक ने दौरान समात रिमार्क्स दिए कि आप इंक्वायरी इंक्वायरी खेलते रहे हम परवेज इलाही को रिहा कर देते हैं तफसी देखिए मोहम्मद अशफाक के रिपोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक ने प्रवेजलाई की नैब में गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देने के लिए पर समाप्त की प्रवेजलाई के वकील आमर सईद ने मौका इख्तियार किया कि सिंगल बेंच ने प्रवेजलाई को किसी भी मुकदमा में गिरफ्तार करने से रोका था इस दौरान तो अपील पर सिंगल बेंच का फैसला दो रुक्नी बेंच ने मुतल किया लेकिन हतमी दलायल के बाद हुकूमती अपील खारिज कर दी गयी अदालत ऐसी इस्तद की गयी की प्रवेजलाई की गिरफ्तारी कल करार दी जाए नैब के वकील ने कहा की तफ्ली जवाब जमा करवाना चाहते है नैब ने कानून के मुताबिक जलाई को गिरफ्तार किया हमें अदालत का हुक्म मिला न ही नोटिस मिला यह केस नैप का है इसको सुनने का इख्तियार डिविजन बेंच को है जस्टिस तो समझा रफीक ने रिमार्क दिए की सारी बातें छोड़े ये बताएजलाई को कब अदालत पेश करेंगे इधर उधर की बात ही ना करें मुझे बताए हुक्म आरोप अमल दरामद न होने आरोप किसके वारंट गिरफ्तारी जारी करूँ क्या डायरेक्टर नैप के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दूँ आप हाई कोर्ट में खड़े हैं कुछ तो ख्याल करें नैप प्रोसिक्यूटर ने बताया की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और आई जी पंजाब को मरासला लिख दिया है हाई प्रोफाइल मुल्जिम है सी टी डी के मुताबिक प्रवेलाई को श्योरिटी खदशात है प्रवेलाई को अदालत पेश करने के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी और मुनासिब सिक्योरिटी फराम की जाए नैब ने प्रवेलाई को लाहौल हाईकोर्ट पेश करने के लिए पंजाब हुकूमत ऐसी सिक्योरिटी से से और बुलेट प्रूफ गाड़ी मांगी है अदालतलाई को पेश करने के लिए मोहलत जस्टिस अंजर रफीक ने रिमार्क दिए की आप जवाब जमा करवाते रहे अदालत प्रवेलाई की रिहाई का ऑर्डर कर देती है अदालती हूम के बावजूद ऐसा क्या हो गया था की प्रवेलाई के वारंट जारी किए गए ये अपील है न ही नैब के इसमें जमानत का मामला ये सिंगल बेंच के फैसले पर अमल दरामद का मामला है जस्टिस ने कहा की मैंने अल्लाह को जवाब देना है आपको अदालत के हुक्म पर अमल करना होगा अदालत ने सुबह दस बजे वेले को पेश करने का हुक्म देते हुए समाप्त मुलतवी कर दी कराची में अशोक चश्म की वबा फूट पड़ी डॉक्टर्स कहते हैं ओ पी डीज में अचानक से केसेस में इजाफा हुआ है ज्यादातर स्कूल के बच्चे वबा से मुतासर हो रहे हैं इसकी वजह मौसम की तब्दीली और गंदगी है शहरी इस वबा से कैसे बच सकते हैं देखते हैं फैसल खान की इस रिपोर्ट में एटी परसेंट जो है पेशेंट इसी के आते हैं आशुबे चश्म के स्कूल यूनिफॉर्म में मलबूस ये बच्चे मुतासर हैं आशुबे चश्म की वबा से लियारी में कायम स्पेंसर आई गवर्नमेंट अस्पताल में आजकल मरीजों का रश है डॉक्टर्स कहते हैं आजकल ओ पी डी में आशुबे चश्म के केसेज में तेजी से इजाफा हुआ है इसके वजह जो है तो मौसम की तब्दीली की वजह से है। दूसरे आबो हवा में काफ़ी ना पॉल्यूशन फैला हुआ इस है इस वजह से गंदगी की वजह से होता है ये एक दूसरे को ज़्यादा कॉन्ट्रेक्ट की वजह से लगता है दूसरे में और ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हमारे पास ओ पी डी में आ रहे हैं सेवेंटी एट्टी परसेंट जो है, है, है पेशेंट इसी के आते हैं आशुब चश्म के आशुब चश्म फैलने की बड़ी वजह मौसम की तब्दीली और गंदगी है जिसका सबसे ज़्यादा शिकार स्कूल के बच्चे हो रहे हैं पहले उनकी एकांक अफेक्टेड होती है फिर दूसरे इसमें ज्यादातर अफेक्टेड होते हैं बच्चे होते हैं स्कूल्स के स्कूल में वो ज्यादातर फैलती है वहाँ पे एहतियात कम है इसका एहतियात यह है कि हाथ परापर धोएं आँख जो है से साफ़ करें और काला चश्मा पहने डॉक्टर्स का कहना है आशुब चश्म की वबा का शिकार होने वाला मरीज आठ से दस दिन तक मुतासर रहता है ये वबा हर दो से तीन साल में आती है